गुड मॉर्निंग बच्चों, बेटा प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से रिवाइज करते हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। ऑस्मोटिक रिलेशन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट दो प्रकार से मानकर चलिए, एक ट्रांसपोर्ट विद द सेल होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट कहते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जिसमें कंसिडर करेंगे। एक ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल होगा जो रूट से लेकर के लीफ तक या फिर लीफ से लेकर के रूट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जाइलम फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है, जाइलम में जो ट्रांसलोकेशन है बेटा यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनिक और मिनरल्स का है वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। प्लांट में जो फ्लॉरिंग प्लांट में एक कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है, इस प्रकार से ट्रांसलोकेशन का। डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस होती बेटा, कोई पांच पॉइंट्स डिफ्यूजन के बारे में डिस्कस कीजिए। पैसिव होती है, सेल टू सेल होती है, शॉर्ट डिस्टेंस में होती है, एनर्जी एक्सपेंस नहीं होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होती है, लिविंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करती है, गैसेस और लिक्विड सभी में होती है, सॉलिड का डिफ्यूजन होता है, इन सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी वही चीज़ें होती हैं, बस कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत और पड़ जाती है, जबकि एक्टिवेटेड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन के साथ एनर्जी की ज़रूरत भी पाई जाती है। पोरिंस क्या होते हैं बेटा, पे नंबर 177 पर पोरिंस क्या होते हैं, ये प्रोटीनस मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड्स की आउटर मेम्ब्रेन पर है, सेल बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। एक्वाप्रोटीन, एक्वापोरिंस कितनी प्रोटीन के बने होते हैं, 8 के बने होते हैं और सभी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सिम्पोर्ट में किस और मॉलिक्यूल जाता है, एक ही और जाते हैं और दो जाते हैं। यूनिपोर्ट में एक जाता है, एक और ट्रांसपोर्ट होता है। एंटीपोर्ट में किस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपहिल ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बेटा अपहिल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। इसमें पैसिव फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम सब बता सके। अब बेटा वाटरमेलन में कितना वाटर होगा, 92% होगा। हर्बेसियस प्लांट के फ्रेश वेट में ड्राई मैटर का कितना ड्राई मैटर होता है फ्रेश वेट में, 10-15% ही होता है बेटा, ठीक है। मस्टर्ड मेच्योर कॉर्न प्लांट ऑलमोस्ट कितना वाटर एब्जॉर्ब करता है एक दिन में, तो क्या कहोगे अपने बॉडी वेट का कितना होगा, बोला 3 लीटर पर डे करता है। क्योंकि मस्टर्ड का प्लांट अपने बॉडी वेट का कितना करता है, इक्वल टू द 5 आवर्स में एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना बेटा। वाटर पोटेंशियल को कितने फैक्टर कंट्रोल करते हैं, 2 होते हैं, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। साई डब्ल्यू किसे कहते हैं, वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर का वाटर कितना होता है, 0 होता है। प्योर वाटर का वाटर कब घटता है, जब सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। प्रेशर पोटेंशियल कैसा होता है, यूजली पॉजिटिव रहता है बेटा। साई डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, साई एस प्लस साई पी लिखेंगे। एक सेल से दूसरी सेल में जब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो किस बेसिस पर होता है, तो लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से बेटा मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की ओर होता है। लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होता है। किसे कहते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक प्रकार का डिफ्यूजन है। किसका डिफ्यूजन है, केवल वाटर का डिफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस किस में पाई जाती है, किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल
आप सेल मेम्ब्रेन कहोगे, सेल वाल में ऑस्मोसिस की बात नहीं होगी, सेल वाल से वाटर निकलेगा तो डिफ्यूजन कहलाएगा, सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ऑस्मोसिस किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर भी और प्रेशर पर भी। ऑस्मोसिस में किसका मूवमेंट होता है, केवल और केवल सॉल्वेंट यानी कि वाटर के मूवमेंट को कंसीडर किया जाता है। अगर थ्रेशल्ड फनल में बेटा शुगर भरा हुआ हो और उसे प्योर वाटर के वीकर में रखा गया हो तो उस वीकर का तो फनल का बेटा लेवल बढ़ता है या घटता है, फनल का लेवल बढ़ता है और ऊपर से अगर हम प्रेशर डाल देते हैं तो उस प्रेशर को क्या कहा जाता है, यहाँ से अगर हम प्रेशर डालते हैं तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, उस प्रेशर को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। और ऑस्मोटिक प्रेशर को और आप क्या कह सकते हो, या कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर न्यूमेरिकली किसके इक्विवेलेंट होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। जब किसी सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन रखते हैं तो सेल में क्या होता है, पानी बाहर निकलता है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़कर अंदर आ जाती है और सेल क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइज्ड कहलाती है। और सेल को क्या कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ये सेल बेटा प्लाज्मोलाइज्ड होती है और फ्लैसिड सेल में अंदर बाहर दोनों ही मूवमेंट होता रहता है। टर्जिड सेल में वाटर कहाँ मूव करता है, टर्जिड सेल में वाटर कहाँ आता है, अंदर अंदर क्या बढ़ जाता है, टर्गर प्रेशर भर बढ़ जाता है। और टर्गर प्रेशर कहाँ लगता है, अंदर से बेटा वाल की ओर लगता है, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम यह भी क्वेश्चन को फ्रेम कर लेते हैं बेटा, फ्लैसिड सेल में वाटर किधर मूव करता है, तो दोनों ओर मूव करता है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल क्या हो जाती बेटा, टर्जिड हो जाती है। कैसे बेटा, टर्जिड। इम्बाइबिशन कैसा प्रोसेस होती है, स्पेशल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। इम्बाइबिशन कैसा होता है, स्पेशली उसमें क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है। अगर सीड पानी लेता है तो प्रोसेस क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। वाटर सीड या ड्राई वुड का बेटा फूलना क्या कहलाता है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, इम्बाइबिशन कहलाता है। इम्बाइबिशन वुड स्वेल करती या नहीं करती है, फूल जाती है। इम्बाइबिशन में प्रेशर बढ़ता है या घटता है, बढ़ जाता है। पुराने समय में चट्टानों को या पहाड़ों को तोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता था, लकड़ी का यूज़ किया जाता था, एक प्रकार की इम्बाइबिशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता था। वाटर का मूवमेंट इसमें भी कैसे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही होता है बेटा, और एनर्जी भी निकलती है। इस प्रकार से ऑस्मोटिक रिलेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट पे आ गई बात बेटा, जब लॉन्ग डिस्टेंस पर कहेंगे तो मास फ्लो होता है बेटा। मास फ्लो को बेटा बल्क फ्लो भी कहा जाता है, इनमें से भी कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द होगा बेटा जिसे इनमें से के नाम से भी ज्यादा जाता है, ठीक है। मास फ्लो को बेटा इनमें से भी कहते हैं। मास फ्लो देखो बेटा इनमें से भी है, ये मास फ्लो है, इनमें से है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर चलता है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा बेटा वो कैसे होगा, मास फ्लो में ही होगा। तो इस पेज से बेटा दो क्वेश्चन और हो सकते हैं, यहाँ देखिए तो कुछ जरा सा कि जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है अचीव कर सकता है, या दो याद रख लेगा बेटा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ होगा, गार्डन हाउस में यानी घर में जो पाइप होती है जिसमें पानी बहता है, कैसा प्रेशर होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव हाइड्रो प्रेशर किसका होगा, तो कह दोगे सूखी घास का बेटा कैसा होगा, नेगेटिव। ये आप याद कर सकते हो, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो किस पेज पर कितने क्वेश्चंस होंगे और जल्दी में आप सबको याद करना है। अब बताइए वैस्कुलर टिश्यू से जब प्लांट मटेरियल मूव करता है
तो प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जाइलम जो है किससे एसोसिएटेड होता है, ये क्वेश्चन जरूर आया है, ये 2019 का ही क्वेश्चन है। जाइलम किससे एसोसिएटेड है, मेनली बेटा वाटर है, मिनरल है, सम सॉल्ट हैं, सम आर्गिन और नाइट्रोजन कंपोनेंट हैं और हार्मोन्स भी हैं। 2019 का ही क्वेश्चन है बेटा, ये 2019 में ही पूछा गया। फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है, आर्गन मैटर, इनर मैटर, मेनली लीव से लेकर के प्लांट के दूसरे भागों तक ही पहुंचता है। ठीक है, इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम में भी ट्रांसपोर्टेशन को आप अच्छे से बता सकते हो। अब बेटा प्लांट कैसे वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हम सबको पता है रूट हेयर्स बेटा सॉइल के पास होते हैं, सॉइल के स्पेस के बीच में, पार्ट के स्पेस में कैपिलरी वाटर होता है, प्लांट केवल कैपिलरी वाटर एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्प्शन के बाद बेटा जब रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है तो बताओ वो जाइलम तक कितने मेथड्स पहुंचता है, दो मेथड से पहुंचता है, वो कौन कौन से हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट बेटा किसके बीच बनता है, तो ध्यान रखना बेटा सेलवाल के बीच, अगर सेलवाल सम्यूटेड, अगर ये कहो बेटा एपोप्लास्ट की बात बोलूंगा, एपोप्लास्ट की बात बोलूंगा, एपोप्लास्ट में कौन शामिल होता है एग्जाम्पल बताओ, तो पहला एग्जाम्पल एपोप्लास्ट का कहा जाएगा सेलवाल होता है, दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाएगा। ध्यान रखना इसमें कोई बैरियर नहीं होता है, इसमें वाटर का मूवमेंट बेटा मास फ्लो में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस में होता है, कंटिन्यूअस होता रहता है, मास फ्लो होता है, एडहेसिव कोहेसिव प्रॉपर्टी इसमें काम करती है। बिल्कुल यही कैरेक्टर बोलेंगे हम सब किसके लिए, सिम्प्लास्ट के लिए। इस फिगर में हम लोग कह सकते हैं दो सेल के बीच क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा है। दो सेल के साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। कहाँ पाए जाते हैं, किन्हीं भी दो सेल के बीच प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कौन सी सेल होती है, एंडोडर्मिस है, इसमें कैसे स्ट्रिप किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, वाटर के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल होती है, वाटर के लिए कैसी होती है, इम्परमेबल होती है। तो सुबराइज सेल से वाटर बेटा ये अंदर नहीं जाता है, अगर सुबराइज लिखा होगा तो एक गलत फिगर बना है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सुबराइज शब्द नहीं लिखना पड़ेगा। इस सेल को बेटा हम सब एंडोडर्मिस की कौन सी सेल मानेंगे बेटा, पैसेज सेल मानेंगे, तभी पानी अंदर जाएगा। एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स होती हैं, एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें सुबराइज नहीं होता है, उन्हें पैसेज सेल्स कहा जाता है। उन पैसेज सेल के प्लाज्मोडेस्माटा से अंदर पानी जाता है। ये पेरिसाइकिल की सेल भी पेरेन्काइमेटस होते हैं, ये भी पेरेन्काइमेटस होते हैं, ये भी पेरेन्काइमेटस होते हैं। एंडोडर्मिस और पैसेज सेल भी पेरेन्काइमेटस ही होते हैं, लेकिन सुबेरिन के कारण यहाँ मूवमेंट नहीं होता है। और जाइलम तक हम कह सकते हैं यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट होगी, ये एपिडर्मिस होती है, यहाँ पर रूट हेयर इसके एलोंगेशन से बनता है, ये कैपिलरी वाटर का रूट हेयर से आकर के यहाँ तक आना, जाइलम के एलिमेंट तक आना, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ये कितने मेथड से होता है, दो मेथड से। अगर वो ऐसे चलेगा सेल मेम्ब्रेन को पार कर चलेगा, प्लाज्मोडेस्माटा को पार कर चलेगा, टोनोप्लास्ट लेयर को पास पार करके चलेगा तो सिम्प्लास्ट कहलाएगा। ये मूवमेंट अगर बेटा सेलवाल से होगा तो कैसा कहलाएगा, एपोप्लास्ट कहलाएगा। अगर इंटरसेलुलर स्पेस से होगा तो भी कैसा कहलाएगा, एपोप्लास्ट कहलाएगा। ध्यान दो बेटा यहाँ पर, ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। यहाँ पर सिम्प्लास्ट मूवमेंट कैसे होता है, प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है, लिविंग के थ्रू होगा। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो होता है बेटा वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा। ये मूवमेंट जो होता है रिलेटिव मूवमेंट स्लोवर होता है, ये कुछ स्लोवर होता है। स्टीमिंग मूवमेंट का एग्जाम्पल बताओ बेटा, हाइड्रोला बोलने वाले हो, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये सब, अब क्वेश्चन एक और बनता है, नेक्स्ट फिगर को लेकर आओ, वहां पर चलेंगे, नेक्स्ट फिगर को देखते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं।
जरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखो बेटा ये सेल वॉल से होकर जा रहे हैं, स्पेस से होकर जा रहे हैं, सेल वॉल से होकर जा रहे हैं, एंडोडर्मिस का मूवमेंट बेटा एपोप्लास्टी भी हो सकता है, हम सेल मेम्ब्रेन को पार करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से होकर के जाते हैं, तब बेटा ये सिम्प्लास्टिक कहलाता है, दिख रहा है। तो कॉर्टिकल की एंडोडर्मिस से पहले तक मूवमेंट बेटा एपोप्लास्टिक भी होता है, सिम्प्लास्टिक भी होता है, लेकिन 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 ध्यान रखना बेटा एंडोडर्मिस में मूवमेंट यहाँ पर बनी हुई है, ये सेल कौन सी एंडोडर्मिस के बेटा, ये सेल पैसेज सेल होती है, इस पैसेज सेल में कैस्पेनिक स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट होती है, यहाँ मूवमेंट केवल केवल कैसा होता है, सिम्प्लास्टिक होगा, यहाँ मूवमेंट कैसा होगा, केवल केवल सिम्प्लास्टिक होगा, यहाँ मूवमेंट कैसा होगा, केवल केवल सिम्प्लास्टिक होगा, ये मूवमेंट कैसा है, एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक दोनों है, यहाँ पर बेटा मूवमेंट कैसा है, केवल सिम्प्लास्टिक है, और जाइलम के वेसल्स और ट्रेकियर में आने के बाद कैसा मूवमेंट होगा, ये मास फ्लो होगा, अपर मूवमेंट होगा, मास फ्लो होगा, अपर मूवमेंट होगा, जाइलम की ल्यूमेंस होगा, वेसल्स की ल्यूमेंस होगा, ट्रेकियर की ल्यूमेंस से पाया जाता है। इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद बगल में क्वेश्चन लिखा हुआ है माइकोराइजा से रिलेटेड, बेटा देखो माइकोराइजा किन में पाया जाता है, ऐसे प्लांट जिनमें रूट हेयर्स ना हो या रूट हेयर बहुत कम हो उनमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है। माइकोराइजल एसोसिएशन किसका एसोसिएशन होता है बेटा, हम सब कहेंगे हायर प्लांट में फंगस की हाइफी का एसोसिएशन होता है, हायर प्लांट में फंगस की हाइफी का एसोसिएशन होता है, हायर प्लांट में फंगस की हाइफी का बिल्कुल नेटवर्क होता है। इस हाइफी का काम होता है बेटा, ये हाइफी क्या करते हैं, ये हाइफी वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को देते हैं, ये हाइफी फंगस प्लांट से बदले में क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। तो कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्या कहलाता है, म्यूचुअलिज्म कहलाता है। ये क्वेश्चन बेटा लास्ट ईयर ही पूछा गया था, बिल्कुल लास्ट ईयर 2019 का क्वेश्चन है बेटा कि पाइनस के सीड बिना फंगस एसोसिएशन के जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, कब का क्वेश्चन बेटा ये 2019 का है, फंगस के सीड नहीं जर्मिनेट हो सकते हैं विदाउट बेटा विदाउट पाइनस के सीड नहीं जर्मिनेट हो सकते हैं विदाउट एसोसिएशन ऑफ फंगस, ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो अब अगली हेडिंग हमारी याद आती है कि वाटर का वो अपवर्ड मूवमेंट किस प्रकार से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो रूट हेयर से अपवर्ड मूवमेंट कितने प्रकार की थ्योरी दी जाती है, बेसिकली दो थ्योरी होती है, वो थ्योरी कैसी होती है बार बार बताया है। ये बेटा देखो सिस्टम लगा हुआ है, ये लगा हुआ है और ये रूट का सिस्टम, बस एक सिस्टम वो होगा बेटा, एक पॉइंट यो होगा जिसमें रूट अपना प्रेशर डालेगी और पानी ऊपर जाएगा, दूसरा वो होगा जिसमें लीफ प्रेशर डेवलप करेगी और पानी को ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर खींचेगी। तो दोनों अलग चीजें हैं, एक में लीफ पानी को खींचेगी, एक में रूट पानी को ऊपर ले जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एक रूट ऊपर पानी प्रेशर करेगा, इसे रूट प्रेशर कहा जाएगा, जो बिल्कुल रात में लगने वाला, ध्यान रखना, इसे ट्रांसवर्सल पुल कहा जाएगा, ये बेटा दिन में लगने वाला, ध्यान रखना, बस ये दो मेन पॉइंट होते हैं, बाकी दोनों ठीक हैं। रात में लगेगा तो बिल्कुल एक्टिवली होगा बेटा, इसमें एनर्जी खर्च होगी और तेजी से रूट प्रेशर कहा जाएगा, जो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा तब ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा, रूट प्रेशर तब ज्यादा होगा। रूट प्रेशर द्वारा बहुत ऊंचाई के पौधों में ट्रांसपोर्शन ट्रांसलोकेशन नहीं किया जा सकता है बेटा, तो लीफ के द्वारा ये होता है, और लीफ के द्वारा जो ट्रांसपोर्शन पुल एंड कोहेसिव फोर्स थ्योरी होती है वो तभी होती है जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और पानी बाहर क्यों निकलता रहता है, इसलिए ट्रांसपोर्शन कहते हैं, पुल कहते हैं, ट्रांसपोर्शन पुल कहा जाता है, क्योंकि वाटर के मालिक के भी लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। तो बेटा रूट प्रेशर पे क्वेश्चन आपकी किताब के अकॉर्डिंग बताओ, नंबर वन, पॉजिटिव रूट प्रेशर तब होता है जब रूट में पानी ज्यादा होता है। नंबर दो, पॉजिटिव रूट प्रेशर के द्वारा केवल छोटी ऊंचाई के पौधों को पानी पहुंचाया जा सकता है। नंबर तीन, पॉजिटिव रूट प्रेशर अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे ज्यादा होता है। नंबर चार, पॉजिटिव रूट प्रेशर को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, हम एक सॉफ्ट स्टेम को काट दें तो ऊपर सुबह सुबह काटने पर सॉफ्ट काटने पर उसमें ड्रॉप निकलती है, उसे पॉजिटिव रूट प्रेशर को बताती है। गटेशन की प्रोसेस भी पॉजिटिव रूट प्रेशर को बताती है। लीफ की मार्जिन से वाटर के ड्रॉप के रूप में लॉस को गटेशन कहते हैं। गटेशन किसके द्वारा होता है, वाटर हाइड्रेट थ्रूट के द्वारा होता है, वाटर स्टोमेटा के द्वारा होते हैं, हाइड्रेट थ्रूट कहा
साथ जाता है। क्वेश्चन और होता है कि रूट प्रेशर का री किस में मेन हेल्प होता है, रूट प्रेशर का मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रूट प्रेशर का। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बना हुआ है री स्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन है री स्टेब्लिश द कंटिन्यूस वाटर मॉलिक्यूल को, री स्टेब्लिशमेंट में रूट प्रेशर का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरी थ्योरी बेटा ट्रांसमिशन पुल होती है, ट्रांसमिशन पुल। तो क्वेश्चन ये कहा जाता है जाइलम में किस रेट से पानी ऊपर जाता है, आप कहोगे 15 मीटर पर आवर किससे ऊपर जाता है। कोहेसिव फोर्स क्रम ट्रांसमिशन पुल कब लगता है, दिन के समय लगता है, वाटर लॉस होता है, सेल्स फ्लैशिड हो जाते हैं, ओपी बढ़ जाता है, दूसरी सेल से वाटर लेते हैं, अल्टीमेट जाइलम के ल्यूमेन से वाटर लेते हैं, ल्यूमेन में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वाली मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स लगता है, वाटर मॉलिक्यूल दीवार के बीच एडहेसिव फोर्स भी लगता है, इस प्रकार पानी नीचे से ऊपर जाता रहता है। बेटा इसी पेज पे 187 लिखा हुआ है, प्लांट जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका 1% से कम वाटर वो यूज करता है अपनी फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में, अपनी फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में, अपनी फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में, दोनों पॉइंट देखना, अपनी फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में 1% से कम वाटर यूज करता है फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में, कितना बेटा 1% से कम वाटर यूज करता है फोटोसिंथेसिस और ग्रोथ में, ये लेस देन 1% फोटोसिंथेसिस ग्रोथ में। ये दो पॉइंट याद करना है बेटा, ये हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं, आ जाओ इस पर क्वेश्चन बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, लीफ में पाए जाते हैं, इनका काम गैसेस एक्सचेंज भी होता है, नॉर्मली दिन में खुले रहते हैं फोटो एक्टिव कहलाते हैं, रात में खुलते हैं तो इसको एक्टिव कहते हैं, इनमें दो गार्ड सेल्स होती हैं, डाइकॉट प्लांट में किडनी शेप्ड होती हैं या बीन शेप्ड होती हैं, मोनोकॉट प्लांट में डंबल शेप्ड होती हैं, बाहर की वाल पतली होती है, इनर की वाल मोटी होती है, वाल में रेडियल माइसोलेशन प्रेजेंट होता है, माइक्रोफाइब्रिल के होते हैं, इन सेल्स में वैक्यूल भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, गार्ड सेल सब्सिडरी एसेसरी सेल से घिरी होते हैं, अपर्चर गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल को मिलाकर स्टोमेटल एपरेटस के नाम से जाना जाता है। जब सेल टर्जिड होते हैं स्टोमेटा खुले रहते हैं, फ्लैशिड होते हैं स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा नीचे ज़्यादा होते हैं ऊपर नहीं या कम होते हैं, मोनोकॉट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा बराबर प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सरफेस पर स्टोमेटा बराबर प्रेजेंट होते हैं। तमाम से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, उसमें टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, ये सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जब कैनोपी होती है तो उसके नीचे के प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट घट जाता है। जरूरी है यहाँ पर कोहेसिव फोर्स भी मैंने बता दिया है, एडहेसिव फोर्स भी बता दिया है, सरफेस टेंशन के बारे में दिया है, हम सब सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। 188 पेज पे चले जाते हैं, वहाँ पर पुली पर क्वेश्चन होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत होती है, इस पानी को जाइलम सिस्टम हमेशा लीफ तक पहुँचाता रहता है और प्लांट की आवश्यकता को पूर्ति करता रहता है, ठीक, प्लांट की आवश्यकताओं को पूर्ति करता रहता है। वाटर स्टोमेटा से डिफ्यूजन के द्वारा बाहर को निकलते रहते हैं, एक सामान्य से क्वेश्चन है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 189 पर जरूर कुछ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग हो सकती है, वो जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से होंगे आप जरा देखिए। नंबर 1 ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस का कंपेयर दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पुल होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसपिरेशन बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर सप्लाई करता है, ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट में मिनरल्स पहुंचते हैं, ट्रांसपिरेशन कारण प्लांट की लीफ सरफेस कूल बनी रहती है, ये 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को घटाती है, जो पानी होता है लीफ के टर्जरी को मेंटेन रखता है,
अगले क्वेश्चन कहेंगे C3 प्लांट पहले बने हैं, C4 प्लांट बाद में बने हैं, C4 प्लांट C3 प्लांट की तुलना में हाफ ऑफ द CO2 यूज करते हैं और डबल फोटोसिंथेसिस करते हैं। C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट में डबल CO2 का फिक्सेशन होता है और हाफ ऑफ द वाटर लॉस होता है। C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट ज़्यादा इफिशियंट होते हैं, डबल फोटोसिंथेसिस होती है और हाफ वाटर लॉस होता है। अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? पहली बात होती है मिनरल, दूसरी बात नहीं, पहली बात होती है केमिकल एलिमेंट्स, फिर बात होती है मिनरल न्यूट्रिएंट। तो मिनरल न्यूट्रिएंट बेटा वे होते हैं जिन्हें प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं आते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं आते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं आते हैं। मिनरल का जो अपटेक होता है यानी सॉइल से लेने की प्रोसेस को बेटा इसे अपटेक कहा जाता है। प्लांट जब सॉइल से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं इसे अपटेक कहते हैं, ठीक है। दो फैक्टर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज, ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मिनरल के पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल होते हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन को जाना रहता है। कंसंट्रेशन की भी बात आती है, मिनरल की कंसंट्रेशन रूट हेयर में ज़्यादा होती है, सॉइल में कम होती है। मोस्ट मिनरल जो होते हैं एक्टिवली एपिडर्मल सेल में प्रवेश करते हैं और ATP खर्च होती है। एक्टिवली मिनरल होते हैं, एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पर देखना, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंडोडर्मल सेल्स की क्या कहते हैं? कंट्रोल पॉइंट। एंडोडर्मल सेल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है मिनरल के लिए कैसी होती हैं? कंट्रोल पॉइंट होती हैं। एंडोडर्मिस में ही सुबेरिन की लेयर प्रेजेंट होती है और यहाँ पर एक्टिवली आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल सेल 190 पेज पर आप जाते हैं तब क्या पाते हैं? ट्रांसलोकेशन की बात हो रही बेटा, रूट हेयर से लेकर के जाइलम तक जो भी मिनरल पहुंचते हैं वो एक्टिव या पैसिव पहुंचते हैं। इन जाइलम वेसल से लेकर के ऊपर की ओर जाते हैं तो इनका मास फ्लो होता है जो पैसिव होता है और रैपिड होता है। चीफ सिंक मिनरल के लिए कौन सा रीजन होता है? तो ग्रोइंग पॉइंट कहेंगे। बोलो ग्रोइंग पॉइंट्स कौन से होते हैं? सिंक की, चीफ सिंक की बात करोगे तो एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम होते हैं, यंग लीव्स होते हैं, डेवलपिंग फ्लावर फ्रूट और सीड्स होते हैं और स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। मिनरल के लिए सोर्स कौन होता है? सॉइल में प्रेजेंट रूट हेयर्स होते हैं। मिनरल फ्रेंकली मोर रिमोबलाइज्ड भी हो जाते हैं। बहुत से मिनरल तेजी से मोबिलाइज करते हैं तो क्या नाम होते हैं? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम कैसे मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं? ये मोबिलाइज्ड होते हैं, ये बहुत तेजी से नीचे से ऊपर जाने का काम करते हैं। ये मिनरल्स बहुत फास्टर तरीके से ऊपर को ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा। इस प्रकार से यहां पर आ जाएंगे मोबिलाइज वाले क्वेश्चन। ये पूछा जाएगा बेटा जाइलम का एक्सक्लूड जब निकालते हैं उसमें क्या चीज मिलता है? अब पानी और मिनरल के अलावा वहां नाइट्रोजन कंपोनेंट्स भी मिलेंगे, एमिनो एसिड्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या जाइलम केवल केवल अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ही करता है? तो आप जवाब दोगे स्मॉल अमाउंट में वो जाइलम फ्लोएम के बीच एक्सचेंज भी करता है, जाइलम फ्लोएम के बीच एक्सचेंज भी करता है, ठीक। पहले विचारधारा होती थी कि जाइलम केवल जल और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम केवल फूड का करता है, अब ऐसा नहीं है, करेक्ट। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज के फॉर्म में करता है। इसका सिंक कहाँ होता है? सोर्स कहाँ होता है? सोर्स लीफ होती है। सिंक ग्रोइंग रीजन, सिंक कौन होते हैं? कुछ ग्रोइंग रीजन कहते हैं लेकिन बाकी स्टोरेज रीजन होते हैं, फूड होते हैं, रूट होते हैं। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में सुक्रोज के अलावा क्या होता है? कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है। फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन की कौन सी थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड है? मास फ्लो हाइपोथेसिस है, मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं।
प्रेशर हाइपोथेसिस कहते हैं, प्रेशर पर डिपेंडेंट होती है। लीफ की सेल्स में जब फूड स्टोर हो जाता है, सॉल्यूट आ जाता है, तो सेल में पानी भी आ जाता है, पानी आ जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, फिर वो मॉस जो होता है फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है उस रीजन में जहां इसकी मात्रा कम होती है। करेक्ट बेटा। फिर निश्चित रूप से ये होता है कि जब फ्लोएम के स्टोरेज रीजन में फूड निकलता है तो कैसे निकलता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही निकलता है। और फिर बताओ उस सुक्रोज का क्या होता है, अगर हम कहें रूट के समय फ्लोएम से सुक्रोज है उसके कितने भविष्य हैं, 3 से 4 पॉइंट बोलिए। नंबर एक क्या कहोगे, शुगर नंबर एक किस में कन्वर्ट होता है, यूज होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नंबर दो किस में होता है, स्टार्च सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन। नंबर तीन क्या बनता है, सेल्यूलोज। करेक्ट है ना। ये शुगर जब रिमूव हो जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है और वाटर मूव हो जाता है फ्लोएम से, वो वाटर मूव करके जाइलम में चला जाता है। ये मंच हाइपोथेसिस होती है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप देखोगे जाकर तो थोड़ा सा गर्डलिंग के बारे में पढ़ेंगे। गर्डलिंग किसे कहते हैं, 192 पेज पर गर्डलिंग पढ़ते हैं। किसे कहते हैं गर्डलिंग बेटा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट को गर्डलिंग कहते हैं। हार्डिंग ने बताया था गर्डलिंग में क्या होता है, सारे टिश्यू वैसोकैम्बियम के बाहर के रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, कैम्बियम के बाहर का टिश्यू निकल जाने के कारण ऊपर से नीचे की ओर फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाता है, रूट डाइज फर्स्ट एंड अल्टीमेट प्लांट डाइज। वैस्को टिश्यू के बाहर के सारे टिश्यू किस में रिमूव किए जा सकते हैं, तो डाइकॉट प्लांट में। मोनोकॉट प्लांट में ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, क्यों वैस्को मॉडल स्केटर्ड होते हैं। किस डाइकॉट प्लांट में भी संभव नहीं होता है, जिनमें बाइकोलिटल वैस्को मॉडल पाए जाते हैं, ये किस फैमिली के मेंबर में होते हैं, फैमिली कुकरबिटेसी में होते हैं। फैमिली कुकरबिटेसी में ऐसा पाया जाता है। इस प्रकार से गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन बेटा लीफ से रूट की ओर होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट बेटा ऊपर लीफ से रूट की ओर होता है, इसे गर्डलिंग या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट से प्रूव होता है। इस प्रकार से आपका ये पहला चैप्टर बेटा फिनिश हो गया। सेकेंड चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशंस की बात करते हैं। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ये आराम से पढ़िए, सब हो जाएगा। फिजियोलॉजी के 500 चैप्टर पूरे करने बेटा। हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को रैपिड रिवीजन रैपिड फायर में लगा रखा है मिनरल न्यूट्रिशन पर। सबसे पहले बेटा आप लोग हाइड्रोपोनिक्स के क्वेश्चन पूछे। जूलियन वॉन से कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट से। फर्स्ट टाइम हाइड्रोपोनिक्स को किसने बताया, जूलियन वॉन शेक में। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, सॉइलेस कल्टीवेशन। कहां पर ग्रो करते हैं इसको हम लोग, न्यूट्रिएंट मीडियम में। इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं, किस मिनरल की कमी अधिकता से नुकसान होता है उसका पता लगाने की कोशिश की जाती है। क्या दिया जाता है इसमें, तो बेटा इसमें वाटर के साथ मिनरल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हो, क्या पता करते हैं, डिफिशेंसी सिस्टम आसानी से पता हो जाते हैं। कुछ प्लांट के नाम बताओ जो इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हों, टोमेटो सीडलेस कुकम्बर लेट्यूस। क्या एयर सप्लाई करते हैं, यस। कितने नॉन एलिमेंट्स हैं, 105। कितने एलिमेंट प्लांट में देखे गए हैं, मोर देन 60। कुछ ऐसे एलिमेंट क्या सभी प्लांट में सभी होते हैं, नहीं। क्या सिलिनियम गोल्ड भी ऑब्जर्व किया गया है, यस। क्या किसी प्लांट में रेडियोएक्टिव ट्रांसमिशन में देखा गया है, यस।
कितने कम कंसंट्रेशन को भी हम क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं, 10^-8 ग्राम पर ml अमाउंट को भी हम बता सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या है, कितने पॉइंट है, 3। पहली चीज क्या है, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए मिनरल्स का होना जरूरी है, बिना उसके लाइफ कंप्लीट नहीं हो सकती। दूसरा क्या है, मिनरल्स स्पेसिफिक होते हैं, उनको किसी दूसरे मिनरल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। नंबर 3, मिनरल इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में, मिनरल इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट पेज पर आप आ चुके हो। क्वांटिटी के बेसिस पर मिनरल की कितनी कैटेगरीज हैं, 2। कौन कौन सी हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कौन कौन से और कितने हैं, 9। CHO, NPK बोलोगे, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। आयरन किस में रखा गया है, माइक्रो में इन सबसे पहले। निकिल किस में रखा गया है, माइक्रो में इन सबसे बाद। माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे माना जाता है, जब 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ड्राई मैटर हो, उसकी मात्रा पर किलोग्राम ड्राई मैटर में 10 मिलीमोल्स हो तब, या उससे ज्यादा हो तब माइक्रो कहते हैं। इससे अगर कम होते उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो कहा जाता है। 17 एसेंशियल एलिमेंट के अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, बेनिफिशियल एलिमेंट। ध्यान रखना बेटा, बेनिफिशियल एलिमेंट क्या नाम दिया गया है, उन्हें बेनिफिशियल एलिमेंट कहा गया है इन 17 के अलावा। क्वेश्चन हो सकते हैं पूछें, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से हैं, तो सोडियम, सिलिकन, कोबाल्ट और सिलिनियम भी हो सकते हैं, जो कुछ हायर प्लांट में मिलते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट एक अलग टर्म है, ध्यान रखिएगा। फंक्शन के बेसिस पर कितने मिनरल को कितने में कैटेगराइज किया गया है, 4। बायोमालिक्यूल के कंपाउंड में कौन कौन जाते हैं, CHO और N, ठीक है। एनर्जी रिलेटेड में कौन कौन आते हैं, मैग्नीशियम और फास्फोरस। मैग्नीशियम कहाँ होता है, क्लोरोफिल में, फास्फोरस किस में है, ATP में, ठीक। एनर्जी एंजाइम के एक्टिवेशन में कुछ मिनरल्स के नाम बता दो, तो जिंक किसको एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। मॉलिब्डेनम किसको एक्टिवेट करता है, नाइट्रोजिनेज को। मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है, रुबिस्को, पेप्को, दोनों एंजाइम्स को। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल की कौन बनाए रहता है, पोटेशियम। तमाम से रोल पूछे जाते हैं, इनका रोल जरूर याद रखना, इनके जो रोल्स होते हैं माइक्रो एंड मिनरल्स के, इनके रोल्स होते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, ये किसके कंपोनेंट, ये याद कर लेना, और जो मेजर रोल किसमें है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन बनाने में, इसलिए ये क्वेश्चन आने से रहा, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता जनरली। फास्फोरस किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं, 2012 में पूछा गया था, फास्फोरस के कंपोनेंट किस किस के कंपोनेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में है, प्रोटीन्स में है, न्यूक्लिक एसिड में है, न्यूक्लियोटाइड में है, न्यूक्लियोसाइड में है, और फास्फोराइलेशन मींस ATP में। पोटेशियम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। आयन एंड कैटायन को कौन बैलेंस करता है, पोटेशियम की बात करोगे। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग कौन हेल्प करता है, तो पोटेशियम की बात करनी पड़ेगी। सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, तो पोटेशियम बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा। 2018 में क्वेश्चन टर्जिडिटी वाला पूछा गया। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल वॉल की मिडिल लैमेला के बनाने में पार्टिसिपेट करता है, स्पिंडल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ओल्डर रीजन में बेटा ये एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी इमोबिलाइज होता है, और इसका मूवमेंट कम होता है। इसकी डिफिशियंसी सबसे पहले यंगर लीफ में दिखाई देती। मैग्नीशियम बेटा जो होता है वो रेस्पिरेटरी एंजाइम और फोटोस एंजाइम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के एंजाइम के तमाम से एक्टिवेटर होते हैं, जानते हो। क्लोरोफिल के सेंटर में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। राइबोसोम की दोनों यूनिट को बनाने का भी काम कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। 30S 50S को कौन जोड़ने का काम करता है, तो मैग्नीशियम की ही बात करते हो। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के नाम बता दो, सिस्टीन और मिथियोनिन। सल्फर कंटेनिंग विटामिन के नाम बता दो,
थियामिन बायोटिन कोएंजाइम्स ए। इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसमें सल्फर प्रोजेक्टॉन बता दो फेरिडॉक्सिन। इलेक्ट्रॉन कैरियर बता दो क्या नाम दोगे फेरिडॉक्सिन। तो ये जो पॉइंट हैं सिस्टीन मिथ्यूरिन या विटामिन की बात करेंगे या फेरिडॉक्सिन ये बहुत ही कैसे बेटा इंपॉर्टेंट है। ये सब बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल में थे। अब माइक्रो की कंडीशन शुरू हो गई। 2018 में कुल इतना ही पूछा गया किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है तो फेरिक बता देगा। हीमोग्लोबिन में किस फॉर्म में होता है फेरस के फॉर्म में होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट याद करना है। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन किस फॉर्म में होता है फेरस फॉर्म में होता है। अगर फेरिक फॉर्म में होगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये गैस ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है तो वो भी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फेरिडॉक्सिन में बेटा आयरन भी होता है सल्फर भी प्रेजेंट होता है। जबकि साइटोक्रोम की बात करोगे तो केवल आयरन पाया जाता है। साइटोक्रोम बेटा केवल आयरन है। इन साइटोक्रोम में कॉपर भी प्रेजेंट होता है जब साइटोक्रोम ए और ए थ्री की बात करने वाले। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते ही करते हैं और ये क्लोरोफिल के कंपोनेंट भले ही नहीं होते हैं पर क्लोरोफिल सिंथेसिस में ये एंजाइम एक्टिवेटर के काम जरूर करते हैं यानी क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में काम करते हैं। मैग्नीशियम की बात करेंगे बेटा तो निश्चित तौर पर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्रेडिंग की बात करने वाले हो। जिंक की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलेज की बात करेंगे और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन की भी बात करेंगे। कॉपर बेटा इसमें प्रेजेंट होता है तो हमने अभी कहा था कॉपर प्रेजेंट साइटोक्रोम ए और ए थ्री में रिडॉक्स रिएक्शन में भाग लेते हैं ये। बोरान की बात करोगे बेटा तो अपटेक ऑफ कैल्शियम बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अपटेक ऑफ कैल्शियम के साथ साथ पोलिनगेन के जनरेशन की बात और सेल एलिमिनेशन की बात भी करते हो। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का एक्टिवेटर कौन होता है मॉलिब्डेनम होता है 2010। ये बेटा चार क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछे माइक्रोम पूछे गए 15 में भी है 12 में भी है ठीक है 10 में भी है क्वेश्चन पूछे गए इस पैराग्राफ से ठीक है। क्लोरीन किसमें हेल्प करता है पहली बात तो सॉलिड की कंसेंट्रेशन बढ़ाते ही बढ़ाता है साथ में वाटर स्प्रेडिंग में बेटी वाटर स्प्रेडिंग एमएन के साथ काम करता है। पहले हम एमएन लगाते हैं और मैंगनीज एमएन एमएन के बाद क्लोरीन सीएल लगाते हैं। एमएन सीएल दोनों को हम टिक कर सकते हैं अदरवाइज कैल्शियम को भी कंसीडर किया जाता है। क्रिटिकल कंसेंट्रेशन किसे कहते हैं मिनरल की क्रिटिकल कंसेंट्रेशन किसे कहते हैं। क्रिटिकल कंसेंट्रेशन उसे कहते हैं उसे कम होने पर नुकसान हो जाए उससे कम होने पर नुकसान हो जाए यानी कि ग्रोथ रिटार्ड हो जाए उसे क्रिटिकल कंसेंट्रेशन कहा जाता है करेक्ट। अब सवाल है अगर क्रिटिकल कंसेंट्रेशन से आपने ज्यादा दे दिया तो प्लांट को क्या नुकसान होने वाला है तब आप कहते हो दो बातें हैं मिनरल में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं एक बेटा बोलो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इसकी अगर कमी हो जाती है तो डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई देते हैं। दोनों की कमी से डिफिशियंसी होती है अगर अधिकता हो जाती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे डिसऑर्डर हो जाता है। जब माइक्रो की अधिकता से डिसऑर्डर हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है टॉक्सिसिटी कहा जाता है उसी को क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी कहा जाता है। यही तो डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात होती है। अब क्वेश्चन यह कहा गया है कि बताओ फर्स्ट सबसे पहले ओल्डर लीफ में किन एलिमेंट की डिफिशियंसी होती है ओल्डर लीफ में नीचे की लीफ में किसकी डिफिशियंसी होती है। मिनरल बहुत तेजी से ऊपर चले जाते हैं उनकी कमी किसमें होती बताओ बेटा ओल्डर लीफ में और नहीं मूव कर पाते उनकी कमी किसमें होती है यंगर लीफ में किसकी कमी दिखती है कैल्शियम की होती है ना सल्फर की होती है। फिर बेटा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर चार पॉइंट लिखे हैं। फिर हम लोगों ने बताया था फ्लावर डिले कब होती है तो उन्होंने सनम बोला था सल्फर नाइट्रोजन मॉलिब्डेनम। फिर सेल डिवीजन क्यों इनहिबिट कर जाता है मुस्कान बताया था मॉलिब्डेनम सल्फर पोटेशियम और नाइट्रोजन। फिर नेक्रोसिस किसे कहते हैं डेथ ऑफ टिश्यू को नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस की क्या एग्जाम्पल बताए थे काकू के मजे बोला जाता था या काकू के मजे का मतलब हो गया आप कह सकते हो पोटेशियम कॉपर कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्लोरोसिस किसे कहते हैं जब प्लांट में क्लोरोफिल ना बन पाए तो उसे प्रोसेस को क्लोरोसिस कहा जाता है। टॉक्सिसिटी किस एलिमेंट्स की होती है बेटा मॉडरेट कम या मॉडरेट ज्यादा कम हो जाए तो डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो टॉक्सिक कहलाता है। माइक्रो की अधिकता
कैसे मानी जाती है? जब 10% वेट बेटा ड्राई वेट कम हो जाए किसी एलिमेंट की अधिकता के कारण, माइक्रो के अधिकता कारण उसे टॉक्सिक एलिमेंट्स कहा जाता है। आपको तीन पॉइंट्स बताने हैं कि मैंगनीज टॉक्सिसिटी के तीन पॉइंट बताने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या करना है, क्या क्या प्रभावित हो जाता है? तो अपटेक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम प्रभावित हो जाता है। दूसरा बेटा, मैग्नीशियम की एंजाइम एक्टिविटी और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन इनहिबिट हो जाता है। ये टॉक्सिसिटी किसके कारण होती है? मिनरल के एब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी क्या होती है? एब्जॉर्प्शन में क्या बात कहते हो? एब्जॉर्प्शन में बेटा दो बातें कहते हो, कितने पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, कितने पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, दो चीजें हम लोग कहेंगे एब्जॉर्प्शन में। स्पेस बोला जाता है, एक फर्स्ट फेज कहा जाता है और दूसरी कौन सी फेज कहते हैं बेटा? सेकेंड फेज कहते हैं। दो फेज होते हैं, पहली फेज और दूसरी फेज आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेल वॉल को देखते हैं और सेल वॉल के अंदर बेटा सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं। ये बेटा पहली फेज होती है जब मटेरियल आउटर स्पेस में आता है और ये होती जब दूसरी होती है। ये बेटा कैसी होती है? ये पैसिव होती है। ये कैसी होती है? एक्टिव होती है। ये एपोप्लास्टिक होती है, ये सिम्प्लास्टिक होती है। दो प्रकार से मूवमेंट चलता है, ध्यान में रखना होगा। ये सिंपल डिफ्यूजन से चले जाते हैं, यहाँ एक्टिवली अंदर जाना होता है, तो पैसिव और एक्टिव भी कहते हैं और एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट भी कंसीडर किया जाता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हो तो सॉल्यूट कैसे ट्रांसलोकेट होते हैं? तो मिनरल सॉल्ट का ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होता है बेटा? जाइलम के थ्रू होता है, अपवर्ड की ओर जाता है, ट्रांसलेशन पुल के द्वारा होता है और तेजी से पानी ऊपर चला जाता है। इसे कैसे पता किया जा सकता है? रेडियोएक्टिव आइसोटॉप मिनरल को डाल करके हम इस सब्सटेंसेस को भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि कैसे होता है। सॉइल किसकी तरह काम करता है? प्लांट के लिए मिनरल के रिजर्वायर की तरह काम करता है। वहाँ पर कैसे सॉइल बनती है? तो रॉक्स के ब्रेकडाउन से सॉइल बनती है। वहाँ पर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। मिनरल्स क्या है? एक स्टोर हाउस होता है सॉइल में। मिनरल्स एक स्टोर हाउस होता है वहाँ पर, ठीक है। जिन सॉइल में बेटा मिनरल की कमी होती है उनको हम बाहर से फर्टिलाइजर्स देते हैं बेटा। क्या देते हैं? फर्टिलाइजर। बाकी इसमें आ जाओ, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म पर क्वेश्चन चला जाएगा। प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है? प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट के फॉर्म में या फिर अमोनियम फॉर्म में अब्सॉर्ब करता है। नाइट्रोजन की अमोनिया या नाइट्रेट में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती बेटा। लेकिन वही अगर प्रोटीन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टूट जाए अमोनिया में तो प्रोसेस क्या कहलाती है? अमोनीफिकेशन के नाम से जानी जाती है। नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं बताओ बेटा? नाइट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? तो नाइट्रिफिकेशन जब कहोगे तो आप कहोगे अमोनिया सबसे पहले नाइट्राइट में बदलती है और नाइट्राइट के बाद वो नाइट्रेट में बदलती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं अगर पूछा जाए तो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। ये कीमो ऑटोट्राफ बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया बेटा? ये कीमो ऑटोट्राफ होते हैं। पहले स्टेप में कौन से पढ़ करते हैं? नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकॉकस होते हैं। दूसरे स्टेप में बेटा नाइट्रोबैक्टर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? कीमो ऑटोट्राफ होते हैं। अमोनिया के ऑक्सीडेशन से निकली एनर्जी को बेटा ये एटीपी में बदलते हैं। एटीपी का यूज फोटोसिंथेसिस में करते हैं, इसलिए कीमो ऑटोट्राफ की कैटेगरी में आते हैं। करेक्ट हो गई बात। नाइट्रेट बेटा एब्जॉर्ब होकर के कहां को जाती है? ध्यान सुनिएगा, प्लांट जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसे कहां तक ले जाता है? प्लांट जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसे कहां तक ले जाता है? तो ध्यान रखना, प्लांट जब नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसे लीफ तक ले जाता है और लीफ में नाइट्रेट को पहले अमोनिया में बदलता है, फिर अमोनिया अमीनो एसिड में बदलता है, फिर प्रोटीन में बदलती है। ध्यान रखना, ये सब बहुत अच्छी सी बात है, फिर से सुन लेना। प्लांट सॉइल में नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है, कहां तक ले जाता है? लीफ तक ले जाता है। लीफ में किस में बदलता है? अमोनियम में बदलता है। ये किस में हेल्प करती है? अमीनो एसिड बनाने में। इस प्रोसेस को एमिनेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? अभी इसके बाद बेटा इससे क्या बनती है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। करेक्ट। डिनेट्रिफिकेशन किसे कहते हैं? किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? सीडोमोनास और डिनेट्रिफिकेशन, यानी यूं कह सकते हो स्वयं उपस्थित अमोनिया या नाइट्रेट का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल जाना डिनेट्रिफिकेशन कहलाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है या मेटाबॉलिज्म बायोलॉजिकल नाइट्रोफिकेशन क्या होता है? तब आप क्या कहोगे बेटा?
जब कोई ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, अमोनिया में बदले बेटा, तब इसे नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन कहते हैं। ये सब आपको पता होगा। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन कौन इन्वॉल्व होता है तो आप कहोगे नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करने के कौन होता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज बेटा, है ना। चलो जानते हो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, नॉन सिम्बियोटिक। जब नॉन सिम्बियोटिक की बात करते हैं एरोबिक और एनएरोबिक की बात आती है, जब नॉन सिम्बियोटिक की बात करते हैं एरोबिक और एनएरोबिक की बात आती है तब कहते हैं कब, है ना, से रो रहे हो यानी क्लेबेसेला एजिट्रोपेटा बेजरिंग्या ये एरोबिक होते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम रोडोस्पर्म ये एनएरोबिक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं इन कैसे होते हैं, नॉन सिम्बियोटिक होते हैं। कब से रो रहे हो कि एग्जांपल एरोबिक और एनएरोबिक के बाद जब बायोलॉजिकल में आ जाते हैं तो राइजोबियम की बात करते हो तो लेग्यूमिनस प्लांट में होते हैं। इन किसी का नाम बताओ, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट का पहले नाम बताओ तो नाम बोलोगे एलनस और कैजुराइना। उसमें पांच में बैक्टीरिया का नाम बताओ फ्रेंकिया, फ्रेंकिया साइनोबैक्टीरिया होता है। फ्रेंकिया कैसा होता बेटा, साइनोबैक्टीरिया होता है। फ्रेंकिया कैसा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। फ्रेंकिया कैसे होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा ये कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये रूट में प्रेजेंट होते हैं, रूट को कैसा कलर देते हैं, पिंक कलर देते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, रूट हेयर से प्रवेश करते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, नोड्यूल बनते हैं, वहां मल्टीप्लाई करते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने का काम करते हैं। इसमें जो स्टेज होती है वहां एंजाइम लगता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज बेटा कब काम करता है, एनरोबिक कंडीशन में काम करता है। ऑक्सीजन को खाने के लिए कौन होता है, तो ऑक्सीजन को खाने के लिए स्केवेंजर होता है, लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। नाइट्रोजिनेज तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता, क्या नाम होगा बेटा उसका, लेग हीमोग्लोबिन होगा, इसे ऑक्सीजन स्केवेंजर कहा जाता है। कौन होगा बेटा, लेग हीमोग्लोबिन होगा, जिसे ऑक्सीजन स्केवेंजर के नाम से जाना जाता है। फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर रिएक्शन भी नजर आ रही है, उस रिएक्शन में आप कह सकते हो, उस रिएक्शन में जाओगे तो यहां पर कहोगे कितने एटीपी खर्च होते हैं, 18, दो नाइट्रोजन के लिए, दो अमोनिया बनने के लिए 18 एटीपी हैं, एक अमोनिया में कितने खर्च होने वाले हैं, 8 एटीपी हैं, ये भी क्वेश्चन बना दिया जाता है। और नाइट्रोजन किसके लिए सेंसिटिव होता है बेटा, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। ये किस पर काम करता है, एनरोबिक कंडीशन में सबसे बेहतर काम करता है बेटा, किस कंडीशन में, एनरोबिक कंडीशन में। और ऑक्सीजन को रोकने का काम कौन करता है, तो लेग हीमोग्लोबिन की बात करो, जो पिंक कलर का होता है, रूट को पिंक कलर देने का काम करता है। इसके बाद आपने यहां पर देखा है स्टेप होती बेटा, इसे एंजाइम के नाम से जानते हो, एंजाइम में पहले नाइट्रोजन लगती है, फिर दो हाइड्रोजन, फिर दो और, फिर दो और, दो अमोनिया यहां बनकर अलग हो जाती हैं, दो अमोनिया बनकर अलग हो जाती हैं, एंजाइम फ्री हो जाता है अगेन फॉर द रिएक्शन, दोबारा करने के लिए एंजाइम बार बार उपयोग में आते रहते हैं और प्रोडक्ट यहां पर इसी प्रकार से बनते चले जाते हैं। बेटा फेट ऑफ अमोनिया क्या होता है, मैंने पहला क्वेश्चन कहा कि अमोनिया बेटा जो होती है, वो अमोनिया जो होती है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ मिलकर के एनएडीपीएच के उपयोग के बाद ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ग्लूटामेट नामक अमीनो एसिड बनाती है। ये कब बनता है, ये कब बनता है, तो आप कहोगे क्रेब्स साइकिल में बनता है, और क्रेब्स साइकिल जब चल रही होती है एसिड से एस्ट्रोगैनियम में, तब यहाँ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनती है। ये बेटा बाहर से अमोनिया को लेकर ग्लूटामिक एसिड बनाती है, इसे हम लोग फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, और फर्स्ट अमीनो एसिड जो होती है ये बेटा ग्लूटामिक एसिड होती है। इसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को बेटा, इस प्रोसेस को एमिनेशन कहते हैं। इसका ये अपना अमीनो ग्रुप किसी दूसरे कीटो ग्रुप को देती है, फिर दूसरे से बनती है। इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहा जाता है, जो नेम लगता है उसे ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एक अमीनो ग्रुप होता है, एक अमीनो एसिड होती है, जो अपने अमीनो ग्रुप को दूसरे कीटो ग्रुप में ट्रांसफर करेगी। तो इस प्रकार से जब कीटो ग्रुप में आएगा तो नई अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बेटा अमीनो एसिड कौन सी थी,
एवे थी, ये क्या हो जाएगी, मतलब सीट दूसरी हो जाएगी। इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहते हैं। एंजाइम जो लगता है वो ट्रांस एमिनेज के नाम से जाना जाता है। एमाइड के नाम बताओ पूछा जाएगा, तो एस्पराजीन ग्लूटामिन बताना और ये कहना कि प्लांट में एमाइड जरूर प्रेजेंट होते हैं, एमाइड दो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट में आपको ये बताना है कि सोयाबीन जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, तो यूराइड्स के नाम बोला। इस पर भी क्वेश्चन फ्रेमिंग के चांस पूरे बने रहते हैं, इस पर भी फ्रेमिंग जान बन सकते हैं। इस प्रकार से आपका सेकेंड चैप्टर समाप्त हुआ यहाँ पर। थर्ड चैप्टर पढ़ने चल रहे हम लोग। तीसरे चैप्टर फोटोसिंथेसिस में आप आ चुके हो, और जब पहले पेज की बात करते हैं तो इसमें छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। पहले पैराग्राफ में हम किसी क्वेश्चन को उम्मीद नहीं करें तो अच्छा है, दूसरे पैराग्राफ में हम फोटोसिंथेसिस में क्या कंपोनेंट यूज करते हैं वो कह सकते हैं। ग्रीन प्लांट का क्लोरोफिल यूज होने वाला है, CO2 यूज होने वाला है, ये इसके फोटोसिंथेसिस। इस पैराग्राफ में हम पहली बात यहाँ है, ये पैराग्राफ क्या कहलाता है, कहलाता है लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये पैराग्राफ यही कहता है बेटा कि लाइट एसेंशियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। यानी कि यहाँ वेरीगेटेड लीफ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। वेरीगेटेड लीफ कैसी होती है, वेरीगेटेड लीफ ऐसी होती है जिसमें प्लांट हाई होती है, इन पीले रंग के पाउच पाए जाते हैं, जबकि ये पूरी प्रकृति कैसी है, ग्रीन होती है, ये वेरीगेटेड लीफ कहलाता है। आपको पता है ऐसा कैसा होता है, दिस इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ऐसी पत्ती को आप मिनरल्स भी देते हो, लाइट भी देते हो, फिर भी पीली बनी रहती है। और हम दो प्रकार कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ एलोइंग ऑफ द लीफ कितने प्रकार की होती है, एलोइंग ऑफ द लीफ तीन प्रकार की होती है, और एक का नाम क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, एक का नाम क्या हो जाता है, एटियोलेटेड हो जाता है, एक का नाम क्या हो जाता है, वेरीगेटेड हो जाता है। बेटा बहुत सुंदर सी बात बोलोगे, क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, मिनरल की कमी से होता है, ये किसकी एब्सेंस में होता है, लाइट की एब्सेंस में होता है, इनमें मिनरल्स भी होते हैं, लाइट भी होते हैं, एक ऐसा कंट्रोल होता है, जेनेटिक कंट्रोल होता है। यदि मिनरल की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाती है तो क्लोरोसिस कहा जाता है, मिनरल की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाती है तो क्लोरोसिस कहा जाता है, मिनरल की कमी के कारण पत्ती पीली पड़ जाती है क्लोरोसिस कहा जाता है, लाइट की कमी के कारण पीली पड़ जाती है तो इटियोलेटेड कहा जाता है। और लाइट भी प्रेजेंट हो, मिनरल भी प्रेजेंट हो, और पत्ती पीली नजर आ रही हो या चित्र कबरी नजर आ रही हो, उसे वेरीगेटेड लीफ के नाम से जाना जाता है। यहाँ बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है, या यूं कह दे रहे हम लोग कि हम लोग पत्ती के आधे भाग को बेटा लाइट से कवर कर दो और आधे भाग को एक्सपोज कर दो। जो कवर्ड होता है उस भाग में, जो कवर्ड होता है उस भाग में लाइट ना मिलने से वो बेटा कैसी बनी रहती है, उसमें लाइट ना होने से वो पीली हो जाती है। ऐसी पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, इट्यूलेटेड कह देंगे। दूसरे पेज पर जाते हो, अनदर एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, और ये नंबर 200 करता है कि CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्लांट। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसे मोल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, CO2 एसेंशियल फॉर द प्लांट। बेटा इसे क्या कहा गया है, तो बेटा टेस्ट ट्यूब में KOH डाल दिया गया है, लीफ डाल दी गई है, टेस्ट ट्यूब में लीफ पड़ी है, KOH पड़ा है, KOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्लांट। इसे बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन कहते हैं स्टार्च अगर वहां बन गया है, मींस फोटोसिंथेसिस हुई है, स्टार्च नहीं बना है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आप किसके नाम से जानोगे, तीसरा जोसेफ प्रिस्टले भाई कहाँ गए, ये आ जाओ इस रहे हैं। जोसेफ प्रिस्टले क्या कहना चाहते हैं,
जोसेफ प्रिस्टले ये कहना चाहते हैं कि प्लांट एयर को प्योरीफाई करते हैं, इस सेक्शन को बताने की हमें बहुत जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, है ना। प्लांट एयर को क्या करते हैं बेटा, प्योरीफाई करते हैं। प्लांट एयर को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। यहाँ पर आप अगर ये देखते हो तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ मोमबत्ती है, ये क्या रिलीज कर रहा है बेटा, CO2। ये क्या खा रहा है बेटा, हजम कर रहा है O2। और क्या रिलीज कर रहा है, CO2। यहाँ क्या बढ़ रहा है, CO2। कौन मर जाएगा, ये मर जाएगा और ये बुत जाएगी, क्यों, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। ऑक्सीजन कैसे होगा बेटा, उमाकांत खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये क्या रिलीज कर रहा है, ये क्या निकाल रहा है, CO2। कौन ले रहा है, लीफ। ये क्या निकल रहा है, O2। और किसको यूज हो रहा है, इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी है मस्ती से जिंदा रहो। यानी बेटा दीपक जलाओ तो पेड़ जरूर लगाओ, दीपक जलाओ तो पेड़ जरूर लगाओ। इसे दीपक हमेशा पौधे के नीचे जलाया जाता है, जिससे हम ऑक्सीजन भी मिलती रहे और CO2 जो है वो खर्च होती रहे, उपयोग होती रहे। दीपक किसके लिए चलाते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक क्यों जलाया जाता है, इसीलिए मेरी बात मत माना, ये होता होगा सही है कि नहीं, करेक्ट है। तो बेटा प्रिस्टले ने क्या कहा है, कहा है प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते हैं। उसी के नीचे जब आ जाओगे इंजन हॉज ने क्या कहा है, जब इंजन हॉज की बात करोगे और नंबर कौन सा एक्सपेरिमेंट है, नंबर 4 पर आ जाओगे, जॉन इंजन हॉज की बात करोगे, ये भी वही कहेंगे कि प्लांट किसको करते बेटा, प्लांट एयर को प्यूरिफाई करते बेटा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बस इतनी सी बात यहां जोड़ देना कि ये प्लांट प्यूरिफाई एयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जोड़ देना और कुछ मत करना। एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, पानी में जो बबल्स निकले थे बेटा वो किस चीज के थे, दिन के समय किसके थे बेटा, ऑक्सीजन के थे, क्यों, तालाब में पानी में जब ऑक्सीजन निकलती है तो बबल्स बनाती है। इसका 4 बातों को करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं और किस पर कहते हैं, जूलियन वॉन सैक, तब नंबर 5 की बात आती है, आपको 5 वहां लिखना ही चाहिए। क्या कहते हैं जूलियन वॉन सैक बेटा, ये क्या एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ग्लूकोज बहुत जरूरी होता है और प्लांट जो ग्लूकोज को है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रिज्म की तरह है, किसने यूज किया था लाइट को, और नंबर 6 पे आ जाते हैं, किसकी बात करते हैं, TW इंगलमैन की बात करते हैं। इन्होंने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट यूज की थी बेटा, और क्या कहा था पता है, कि सभी लाइट बराबर यूजफुल नहीं होती हैं, विशेष स्पेक्ट्रम होते हैं। और फिर बेटा इन्होंने ये स्पेक्ट्रम ऐसे रखा था, यहाँ लाइट दिया था, यहाँ पे सारे कलर आ गए थे, और सारे कलर के बाद ये प्लेट रखी थी, यहाँ पर बैक्टीरिया रखे, यहाँ पर बेटा क्लेडोफोरा था, यानी यहाँ पर एल्गी थी, वो फोटोसिंथेसिस कर रही थी, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही थी, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही थी, कहीं पर कम इवॉल्व हो रही थी। यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया थे बेटा, जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इवॉल्व हो रही थी वहाँ बैक्टीरिया ज्यादा थे, जहाँ कम निकल रही थी वहाँ बैक्टीरिया कम थे, यानी बैक्टीरिया ऑक्सीजन की बनने वाली जगह पर ज्यादा थी। वो जगह कौन सी थी, जो ब्लू कलर था और रेड कलर था। स्पेक्ट्रम का कौन सा कलर था, ब्लू कलर था और रेड कलर था। किस एल्गी का यूज किया था, क्लेडोफोरा। किस प्रकार के बैक्टीरिया का यूज किया था, एरोबिक बैक्टीरिया। किस प्रकार की लाइट का स्पेक्ट्रम यूज किया था, स्पेक्ट्रम प्रिज्म के थ्रू निकाला था। और किस लाइट में बैक्टीरिया ज्यादा एक्युमुलेट हुए थे, रेड और ब्लू लाइट में ज्यादा एक्युमुलेट हुए थे, क्यों, वो ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में बेटा 6 के बाद 7वें पॉइंट में आ जाते हैं, और आप क्या कहते हो, ये 7वें पॉइंट में पहुंचते हैं, मिडिल 19th में क्या हुआ था, ये पता हो चुका था कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड बताए, इन फॉर्मल्डिहाइड, उनका कहना था फॉर्मेट का पॉलीमराइजेशन के बाद C6H12O6 बनता है, जबकि गलत है, फॉर्मल्डिहाइड टॉक्सिक होता है, प्लांट में बनता ही। कार्बन वन लीनियस से बेटा एक माइलस्टोन प्रोसेस कर डाली थी, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में उन्होंने हाइड्रोजन H2S का यूज करके बताया था कि प्लांट में कैसी फोटोसिंथेसिस होती है, वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वो एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, ठीक है।
बाद में बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस प्लांट में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो CO2 की नहीं होती है बल्कि किसकी होती है, वाटर से निकलती है। ठीक, अब पेज नंबर 209 पर आते हैं। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होती है, प्लांट की लीफ के मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में होती है, ग्राना में लाइट रिएक्शन, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होती है। बेटा ग्राना में लाइट रिएक्शन, स्टोमा में डार्क रिएक्शन होती है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, 210 पेज पर जाते हैं बेटा। पेपर क्रोमेटोफोटोग्राफी के द्वारा डिफरेंट पिगमेंट कलर की बात करते हैं, लीव्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर चार प्रकार के पिगमेंट आपने ऑब्जर्व किए हैं। बताओ क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है, ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर होता है, बी का कलर कैसा होगा, येलो ग्रीन होगा, जेंथोफिल बेटा हुआ येलो कलर का, और कैरोटीनॉइड येलो से येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि अलग अलग प्रकार के पिगमेंट हैं, ये बेटा अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट जो होता है सबसे अधिक लाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए को, लेकिन जब हम बी की बात आती है तो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, क्लोरोफिल ए शो द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ये बोला जाएगा रेट ऑफ फोटोन बेटा बी में सबसे ज्यादा होता है। अगर कहा जाए किस रेंज में होता है तो ब्लू और रेड लाइट बोली जाएगी जहां फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो। तो फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस रीजन में सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस होती है, तो ब्लू एंड रेड रीजन बोलोगे। पूछ क्वेश्चन कहा जाएगा प्राइमरी पिगमेंट कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल बताओगे। बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा एसेसरी पिगमेंट कौन से हैं, तो आप जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी बताओगे। फिर पूछा जाएगा इनका दो रोल बता दो, इनका पहला रोल ये होता है एसेसरी पिगमेंट का, ये लाइट की रेज को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार से वाइड रेंज ऑफ द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। नंबर दो बताओ बेटा, ये एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से रोकते हैं। फिर आपको अगले पॉइंट में व्हाट इज लाइट रिएक्शन बताना पड़ेगा। लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा, फोटो केमिकल फेज के नाम से जानते हैं। 211 पेज पे आ गए, फिगर निकालो। अच्छा, बोर्ड पे। ठीक है, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज के नाम से जानते हो, इसमें वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, एटीपी भी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है। इसके लिए दो कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड। ये नेम दिए गए हैं डिस्कवरी के आधार पर नहीं बल्कि एक्शन के आधार पर। जिस पर फंक्शन करते हैं उस पर नहीं। अच्छा, डिस्कवरी का आधार पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, अंदर भी डिस्कवरी किए गए एक्शन के आधार पर नहीं। डिस्कवरी के आधार पर दिए गए हैं, उनके सीक्वेंस ऑफ एक्शन के आधार पर नहीं। अगला क्वेश्चन, लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, बताओगे हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं। उनमें एक मॉलिक्यूल फिर एक का होता है जो रिएक्शन सेंटर कहलाता है, बाकी सब बेटा एंटीना के नाम से जाने जाते हैं। एंटीना वे होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल वेवलेंथ ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। रिएक्शन सेंटर बेटा दो होते हैं, पीएस फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर 700 होता है और सेकेंड का रिएक्शन सेंटर 680 होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट बेटा, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट कहते हैं तो रिएक्शन सेंटर जो पीएस सेकेंड होता है बेटा, इसमें क्लोरोफिल ए
जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर छोड़ देता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उठाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है। बेटा क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पर हम 680 की बात करेंगे, यहां हम 700 की बात करेंगे। ये 680 रेड लाइट को बेटा एब्जॉर्ब करता है, और यहां पर बेटा रेड लाइट के साथ साथ बेटा ये फॉर रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। जब वेवलेंथ बेटा 680 या उससे कम होती है, तो आप मानकर चलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्टिवेट करके रिलीज कर देता है। अपहिल प्रोसेस है, एक्सेप्टर के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम को जाती है, फिर इलेक्ट्रॉन बेटा इस सिस्टम पे आती है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके यहाँ से NADPH2 बनाती है, ये एंड प्रोडक्ट होता है। ये प्रोसेस बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। यहाँ पर बेटा ATP का फॉर्मेशन होता है इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इसीलिए इसे क्या नाम देते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्यों? लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, ये जेड स्कीम के नाम से माना जाता है। इन जब लाइट बेटा 680 के ऊपर और 700 के बीच प्रेजेंट हो, यानी फॉर रेड लाइट केवल हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के बाद बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाने के बाद ऐसे चलते हैं, ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ये साइक्लिक हो जाती है। कैसी हो जाती है बेटा? ये साइक्लिक हो जाती है। तब बेटा इसमें NADPH2 नहीं बनता है, और तब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहलाती है, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे बेटा वाटर की स्प्लिटिंग भी होती है, इसमें ऑक्सीजन भी निकलती है। देखो वाटर स्प्लिटिंग भी है, ऑक्सीजन भी निकलती है। तो ये दो चीजें हो जाती हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर ये जो फिगर बना है, ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का है, और जो अगले पेज पर बना है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन का है। तो आपको देखना है नॉन साइक्लिक में क्या क्या बनता है, नॉन साइक्लिक क्या क्या बनता है, क्या क्या यूज होता है, क्या यूज होता है नॉन साइक्लिक में, और क्या प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइट यूज होती है, वाटर यूज होता है, ADP यूज होता है, NADP यूज होता है, ऑक्सीजन बनती है, NADPH2 बनता है, ATP बनता है। ये क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, करेक्ट बेटा। जब साइक्लिक की बात आती है, वाटर स्प्लिटिंग तो सेकंड का पार्ट है ही है, जब साइक्लिक की बात आ जाती है, ठीक है, जब साइक्लिक की बात आती है तब क्या होता है? जब साइक्लिक की बात आती है तो वेवलेंथ हमेशा 680 के ऊपर होती है, 700 होती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस रहता है। इसमें क्या क्या यूज होता है, तो आप इसमें कहो बेटा, इसमें लाइट यूज होती है, पानी का यूज नहीं होता है, ADP का यूज होता है, लाइट का यूज होता है, पानी का यूज नहीं होता है, लाइट का यूज होता है, ATP बनता है, ATP बनता है, NADPH2 नहीं बनता है, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस वहीं आ जाता है। पर शर्त ये होती है, ये तभी एक्ट करता है जब वेवलेंथ कितनी होती बेटा, 680 के ऊपर होती है। तो दो फोटोफॉस्फोरेशन हो गए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, दोनों आप पढ़ लिए, दोनों की चीजें बता दी, दोनों को प्रोडक्ट बना दिए। 213 में हम यही कहेंगे, व्हेन, जब बेटा पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है, ये तो पढ़ोगे ना, जब बेटा पीएस फर्स्ट फंक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होकर वहीं के वहीं आ जाते हैं। पीएस फर्स्ट मेम्ब्रेन या लैमेली ऑफ द ग्राना में पीएस फर्स्ट सेकेंड दोनों होते हैं, जबकि स्टोमा लैमेली में पीएस सेकेंड नहीं होता है। स्टोमा लैमेली में पीएस सेकेंड नहीं होता है, स्टोमा लैमेली में बेटा केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, स्टोमा लैमेली में वाटर की फोटोलिसिस नहीं होती है, स्टोमा लैमेली में किसी प्रकार से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी नहीं पाया जाता है, स्टोमा लैमेली में केवल ATP
बनता है, स्टोमा लेमली में NADPH2 भी नहीं बनता है। स्टोमा लेमली आप ऐसे याद करने की कोशिश करना कि जब ऐसे ऐसे पढ़ोगे तब ग्राना पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे ग्राना पढ़ोगे, लेमली याद करना। जब ये पतला है तो एक है, ये मोटा है तो इसमें दोनों हैं, क्या बुराई हमें याद करने में भाई। जब ग्राना यहाँ पर नंबर ऑफ थैलेक्वेडिक साथ लगे हैं उसमें सब कुछ है, और स्टोमा लेमली पतला है, इनबिटवीन ग्राना है, उसमें केवल पीएस फर्स्ट है। ऐसे लर्न करोगे तो चीज समझ में आ जाएगी। तो साइक्लिक फास्फोराइलेशन मेटा तभी होता है जब लाइट की वेवलेंथ 600C के बियॉन्ड होती है। अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहलाती है? तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेटा एटीपी सिंथेसिस की होती है। नंबर एक यह बोला जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है और सेल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट बोली जाती है। अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट होती है। अब क्वेश्चन दो तरह के, दो जगह हम लोग केमी ऑस्मोटिक थ्योरी पीटर मिचेल ने दिया है, पीटर मिचेल ने दो तरह की पढ़ी जाती बेटा, एक माइटोकांड्रिया में पढ़ते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट में पढ़ते हैं। और दोनों के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का पॉइंट मैं चाहूंगा दोनों के फिगर मैं यही बना दूं, दोनों के फिगर मैं यही बना दूं। ऐसे देखना बेटा, ये माइटोकांड्रिया होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, काम खत्म। अंदर डीएनए है, आरएनए है, अंदर की मेम्ब्रेन में फोल्डिंग होती है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। प्रोटॉन ये आउटर मेम्ब्रेन में एक्युमुलेट होते हैं, ठीक। और जब ये प्रोटॉन अंदर की ओर जाते हैं तब एटीपी बनता है। ये दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए, नहीं थी तो है, थी तो। लेकिन जब क्लोरोप्लास्ट की बारी आती है तो दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, अंदर थैलेक्वाइड प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। उसमें बेटा प्रोटॉन ल्यूमेन में होते हैं, उनमें ऑक्सीसोम ऐसे प्रेजेंट होते हैं, उनके जो ऑक्सीसोम का एफन पार्टिकल है स्टोमा की ओर होता है, एचएन बेटा बाहर को निकलता है तब एटीपी बनता है, एचएन अंदर मैट्रिक्स में जाता है तब एटीपी बनता है, ल्यूमेन से बाहर स्टोमा में आता है तब एटीपी बनता है। यहाँ ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है, पीएच घटता है, यहाँ पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस में प्रोटॉन एक्युमुलेट होता है तब पीएच कम हो जाता है। अब यहां पर प्रोटॉन कैसे जाते हैं, एक उसका कॉन्सेप्ट एक अलग है जो रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। यहां पर प्रोटॉन कैसे बढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। यहां पर प्रोटॉन दो प्रकार से बढ़ते हैं, यहां पर प्रोटॉन दो प्रकार से घटते हैं, दोनों में एक प्रोसेस कॉमन होती है, इस कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन का अंदर आना। ये बिल्कुल आप बिल्कुल पिक्चर देख लीजिए, प्रोटॉन अंदर कितने प्रकार से बढ़ते हैं, दो प्रकार से बढ़ते हैं, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर के द्वारा बनते हैं, एक कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन अंदर आते हैं। अंदर दो प्रकार से प्रोटॉन बढ़ते हैं बेटा, और बाहर कितने प्रकार से घटते हैं, दो प्रकार से घटते हैं, एक कॉम्प्लेक्स के आने के कारण, एक NADPH2 के ले लेने के कारण घटते हैं। तो बाहर दो प्रकार से घटते हैं, अंदर दो प्रकार से बढ़ते हैं, एक प्रोसेस कॉमन होती है कॉम्प्लेक्स वाली, यहां से प्रोटॉन यहां आते हैं, ये प्रोसेस दोनों कॉमन होती है। ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, ऑक्सीसोम से बाहर आते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यही चीज देखने को मिलती है। 213 पेज पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है, एटीपी सिंथेसिस प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन पर डिपेंड करती है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में डिफरेंस प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन ल्यूमेन में अंदर की ओर एक्युमुलेट होता है, माइटोकांड्रिया में इनर मेम्ब्रेन से आउटर स्पेस में प्रोटॉन जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में होती है, प्रोटॉन ल्यूमेन की ओर प्रवेश करते हैं ज्यादा मात्रा में बेटा, ठीक है। NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं स्टोमा साइड पर प्रेजेंट होती है, इसके कारण भी स्टोमा से प्रोटॉन की कमी होती है और NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ल्यूमेन का पीएच कम होता है, ठीक। एटीपी कब बनता है, जब प्रोटॉन ल्यूमेन से F0 F1 के द्वारा
शेखर प्रताप, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? बहुत दिनों बाद तुम्हारा नाम दिखाई दे रहा है। बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे हो, लेकिन प्रोटॉन कब और कहाँ से कैसे आता है बेटा? प्रोटॉन बेटा ल्यूमेन से F0 पार्टिकल में से होते हुए F1 पार्टिकल से स्टोमा में आता है। F1 पार्टिकल पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? ATPase एंजाइम्स होते हैं। F0 कहाँ होता है? F0 मेम्ब्रेन में इम्बीडेड होता है। F1 कहाँ होता है? स्टोमा की ओर डायरेक्टेड होता है बेटा। ठीक, क्या कैरी करते हैं ये प्रोटीन? को कैरी करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। F0 से जब बाहर प्रोटॉन आता है तब ATP का फॉर्मेशन होता है। केमी ऑस्मोसिस में क्या क्या जरूरत होती है ये कहा जाए बेटा। एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATPase चाहिए। फिर से जुड़ना, चार चीजें हैं बेटा केमी ऑस्मोसिस में। मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए एंड ATPase। मिल रही है लाइन? ये 215 पेज पर है, पेज नंबर 215 पर है। ये देखो, केमी ऑस्मोसिस को क्या रिक्वायर्ड है? एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और ATP सिंथेसिस चाहिए। एनर्जी किस में यूज हो जाती है? प्रोटॉन को पंप करने में यूज हो जाती है। ATPase एंजाइम ADP से फास्फेट आयन को जोड़ करके बेटा ATP बना देता है। ठीक, इस प्रकार से बेटा NADPH2 भी बनता है, ATP भी बनता है। करेक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि लाइट रिएक्शन में कहीं पर भी CO2 का यूज नहीं होता है बेटा। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? अगर हम लोग यह बात करें तो लाइट रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन नहीं होता है। लाइट रिएक्शन में O2 बना, ATP बना, NADPH2 बना। O2 बना, ATP बना, है ना, और NADPH2 बना। अब आपकी बायोसिंथेटिक प्रोसेस बेटा शुरू हो जाती है। अब बायोसिंथेटिक प्रोसेस में आप देखिए क्या क्या प्रोडक्ट थे लाइट रिएक्शन को, कहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में ATP बना था, NADPH2 बना था, O2 बना था। इसमें से O2 डिफ्यूज होकर बेटा बाहर चली जाती है। ATP और NADPH का बेटा यूज होता है फूड के बनाने में, इसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। इस प्रोसेस में लाइट डायरेक्ट यूज नहीं होती है, लेकिन यह प्रोसेस लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर ही डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 CO2 और O2 को मिला करके ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH2 वाटर और CO2 को मिलाकर ग्लूकोज बनाने का काम करते हैं, इसलिए से बायोसिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसे डार्क रिएक्शन जरूर कहा जाता है, लेकिन ये दिन में ही होती है। इसे डार्क रिएक्शन जरूर कहा जाता है, इन दिन में ही होती है। डार्क रिएक्शन केवल इसलिए कहा जाता है क्यों लाइट रिएक्शन डायरेक्ट यूज नहीं होती है। अगर हम किसी भी प्लांट को जो लाइट में रखा हुआ है डार्क में तुरंत ले जाएं तो लाइट रिएक्शन तुरंत रुक जाती है। डार्क रिएक्शन थोड़े समय तक चलती रहती है। डार्क रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक उसमें ATP और NADPH2 बना रहता है, तब तक डार्क रिएक्शन चलती रहती है। इसका मतलब होता है डार्क रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में भी चलती हैं, लेकिन तब नहीं चल सकती जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP NADPH2 खत्म हो जाए। क्वेश्चन है, इस डार्क रिएक्शन में कार्बन के पाथ को किसने देखा, कब देखा, क्या यूज किया? चार से पांच क्वेश्चन। नंबर 1, मेलविन कैलिविट ने देखा, क्लोरेला प्लांट में देखा, रेडियोएक्टिव CO2 को लेकर देखा, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 की जगह 14 देखा, CO2 14,
में CO2 में कार्बन 14 क्यों पता चला? क्यों जस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यहाँ पर इन्होंने बेकार ना समझकर बल्कि उनकी यूटिलिटी के बारे में ध्यान दिया और इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से एक नई खोज कर डाली। CO2 को फिक्सेशन में कौन सा प्रोडक्ट बना? 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना। क्या नाम था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। फिर क्वेश्चन ये आया कि जितने भी प्लांट होते हैं क्या उनके फिक्सेशन में कार्बन का 3 प्रोडक्ट ही बनता है, 3 कार्बन के प्रोडक्ट ही बनते हैं? तो ऐसा जरूर नहीं है कि CO2 के फिक्सेशन में बेटा क्या बने, पहला प्रोडक्ट PGA 3 कार्बन का ही बने। वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश किया और तब यह पाया कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक बनते हैं जिसे कार्बन 3 होता है, एक होते हैं जिसमें ऑक्सलोएस्टिक एसिड है, इसमें कार्बन कितने हैं? 4। इसलिए ये प्लांट बेटा, ये जो प्लांट रहे वो C4 प्लांट कहलाए और ये जो प्लांट थे C3 प्लांट कहलाए। तो C3 प्लांट और C4 प्लांट किस बेसिस पर कहे? 2 रास्ते थे, इस रास्ते को हम लोग C3 पाथवे कहा, इसको मैंने C3 पाथवे कहा और इसको मैंने C4 पाथवे कहा। अब क्वेश्चन है कि C4 प्लांट में बेटा C3 और C4 पाथवे दोनों पाए जाते हैं कि C3 प्लांट में केवल C3 पाथवे पाया जाता है, इसका जिक्र हम लोग यहाँ पर करने वाले। अब सवाल है कि प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 के कौन होते हैं? तो आगे आ जाइए, प्राइमरी एक्सेप्टर की बात करेंगे। प्राइमरी एक्सेप्टर आ जाओ बेटा, एक बेटा आपके पास C3 प्लांट्स होंगे, एक C4 प्लांट होंगे, एक्सेप्टर बताने हैं। इनके CO2 को कौन एक्सेप्ट करने वाला है ये बताओ, और इनके CO2 को कौन एक्सेप्ट करने वाला है ये बताओ। तो बेटा इनके CO2 को लेने वाला कौन है? तो आप नाम दोगे, 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसका नाम है RuBP। और C4 पाथवे में बेटा CO2 को लेने वाला 3 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोनोलपाइरूवेट। तो क्या बन जाता है? 4 कार्बन का बन जाता है जिसे ऑक्सलोएस्टिक एसिड कहते हो, और 5-6 कार्बन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाते हैं। इस प्रकार से हम इस पाथवे को, ये पहला प्रोडक्ट होता है, ये पहला प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन और ये कितने? 4 कार्बन। एक बात लिखी हुई है कि यहाँ पर 4 कार्बन है पहला प्रोडक्ट, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ एक्सेप्टर 5 कार्बन का है, यहाँ एक्सेप्टर 3 कार्बन का है, 3 और 1 मिलकर के 4 बनाते हैं, 5 और 1 मिलकर 6 होते हैं, 2 मोल्स बनाते हैं PGA। एंजाइम्स भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से पता है, रूबिस्को होगा, पेप्को होगा, इस पाथवे को देखा ठीक। अब केल्विन साइकिल पे आ जाइए और आराम से देखिए, जितना लिखा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। केल्विन साइकिल, पहला क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल में RuBP क्या होता है? रीजनरेट हो जाता है, इसीलिए केल्विन साइकिल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, केल्विन साइकिल जो C3 साइकिल है सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है, चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो। अगला क्वेश्चन है, केल्विन साइकिल में बेटा 3 स्टेजेस मेन मानी गई हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन होता है जिसमें स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरमीडिएट्स बनते हैं, करेक्ट। इस प्रोसेस में रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है जिससे 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये एंजाइम बेटा कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है। इसे CO का रूबिस्को, CO फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज। रिडक्शन क्या होता है? दोनों बातें बेटा, कार्बोक्सिलेशन उन्होंने एक ही है कि 5 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के बाद बेटा ये देखो जरा सा क्या बन जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम मैंने लिखाया था, याद करो, 2 कार्बोक्सी 3 कीटो
15 बाईफास्फोराइबोलोज, मिला बेटा 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 15 बाईफास्फोराइबोल। ये जो एरो बना है वो इसीलिए है 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 15। टू कार्बोक्सी बाद कॉमा लगाना है, फिर 3 कीटो करना है। कितने कीटो? 3 कीटो 15 बाई फास्फोराइबोल, 15 बाई फास्फोराइबोल। ये इंटरमीडिएट, इसमें बेटा 6 कार्बन, फिर 2 टूट जाता है तो इसके 2 मोल बन जाते हैं। ये बेटा कार्बोक्सिलेशन पहली स्टेज। फिर रिडक्शन है, ये रिडक्शन, रिडक्शन एक लंबी प्रोसेस है। तो लिखा है पहला पॉइंट, हमने लिखा है बेटा देखो, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसमें ग्लूकोज बनेगा, ठीक। फिर लिखा है 2 ATP यूज होते हैं फास्फोराइलेशन में, 2 NADPH2 यूज होते हैं फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ 1 CO2। यानी कि आप ये कहोगे कि इस पूरे प्रोसेस में यहां पर एक CO2 यूज करेंगे हम लोग, कितने CO2 बेटा? जब एक CO2 यहां यूज करेंगे तब यहां पर 2 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे और एक ग्लूकोज बनेगा। मतलब समझने की कोशिश करना, बहुत जरूरी पॉइंट है बेटा। एक साइकिल में बेटा, एक साइकिल में 2 ATP और 2 NADPH यूज होंगे ग्लूकोज बनने के लिए, लेकिन एक ग्लूकोज बनने से कितनी साइकिल होती है? 6। तो कितने ATP? 12। कितने NADPH2? 12। ये रिडक्शन की बात हो रही है। रिडक्शन 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला एक साइकिल के लिए, दूसरा एक ग्लूकोज के लिए कितनी साइकिल। एक साइकिल में बेटा 2 ATP 2 NADPH2 1 CO2, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल, तो 6 CO2 12 ATP 12 NADPH2 रिडक्शन में। फिर रीजनरेशन की बात आई, रीजनरेशन में 1 ATP यूज होता है, तो 6 साइकिल के लिए 6 ATP, अब टोटल बेटा 18 ATP हो गए। तो अब ऐसे क्वेश्चन बनाओ बेटा, एक CO2 के लिए बोलो टोटल 3 ATP 2 NADPH2 यूज होते, तो बेटा 6 CO2 के लिए बोलो 18 ATP और 12 NADPH2, और क्या बनता है तब? एक ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बेटा ध्यान रखना ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है। इस रिडक्शन में 2 ATP यूज होते हैं, 2 NADP यूज होते हैं फॉर द वन मॉलिक्यूल CO2 फिक्सेशन, लेकिन 6 साइकिल होते हैं तब एक ग्लूकोज बनता है, ठीक है। चलिए, रीजनरेशन में भी 1 ATP होता है, उसको मैंने आपको डिस्कस कर दिया बेटा। अगले पेज पे 218 पर जाते हो, वही चीज बोल रहे हैं कि एक ग्लूकोज बनने के लिए 6 CO2 12 ATP 12 U यूज होते हैं, इनसे ये बनते हैं, इनसे बनते हैं, तो ये सब कितने मॉलिक्यूल यूज होते हैं, तो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं टोटल में। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ C4 पाथवे। C4 पाथवे का मतलब है इसको कैसे पढ़ेंगे। नंबर 1, ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के लिए प्लांट एडॉप्टेड होते हैं। C4 पाथवे ऑक्सलो एस्टिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होता है।
C4 पाथवे में ऑक्सलो एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। C4 प्लांट स्पेशल होते हैं बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स देते हैं, फोटो रिस्प्रेशन नहीं पाया जाता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्रॉन्ज एनाटॉमी पाई जाती है, विर्थ एनाटॉमी के नाम से जाना जाता है, बंडल शीत कई लेयर मोटी होती है जो वेस्को बंडल को घेरे रहती है, ठीक क्लोरोप्लास्ट उसमें पाए जाते हैं बंडल शीत में भी, बंडल शीत इम्परमेबल होती गैसेस एक्सचेंज के लिए, बंडल शीत में कोई स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, मेज और सार्गम C4 प्लांट होते हैं, मेज और सार्गम C4 प्लांट होते हैं, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल के नाम से जानी जाती है, हैच एंड सेलेक्ट साइकिल को पढ़ा हुआ है पकड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे, पेज नंबर 219 पर आओगे, इसको आपको पढ़ना यहाँ पर जरूरी है, C2 एक्सेप्टर से पढ़ना आपको यहाँ पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि प्राइमरी C2 एक्सेप्टर कौन होता है, तीन कार्बन का कंपाउंड होता है, फास्फेनोल पाइरिवेट कहा जाता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, कौन एंजाइम होती है, पेप कार्बोक्सिलेज होता है, किस सेल में होता है, मीजोफिल सेल में होता है, मीजोफिल में रूबिस्को होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, C4 एसिड कौन सी होती है, ऑक्सलोएस्टिक एसिड होती है, किस सेल में बनती है, मीजोफिल सेल्स में बनती है, C4 कंपाउंड मीजोफिल सेल में फिर किस में बदलता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में, फिर इसका भविष्य क्या होता है, ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बेटा बंडल शीत में ट्रांसफर हो जाती है, बंडल शीत में जाने के बाद बेटा इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो मैलिक एसिड से CO2 रिलीज हो जाती है और पाइरुविक एसिड बन जाता है, वो पाइरुविक एसिड वापस बेटा मीजोफिल सेल में आ जाता है और फास्फोनोल पाइरुविट बनाता है, इस प्रकार ये कौन सी साइकिल हो जाती है C4। तो C4 साइकिल कितनी होती है और कैसी होती है आप कैसे बताने की कोशिश करोगे बेटा, तो क्वेश्चन देखिएगा जरा सा कैसे है, एटमॉस्फेयर की CO2 है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये CO2 मीजोफिल में किस फॉर्म में होती है, बाइकार्बोनेट में, फास्फेनोल पाइरुवेट होता है, इसे क्या कहते हैं, PEP कहते हैं, फिक्सेशन से चार एसिड बनता है, ये क्या होता है, ऑक्सलोइक एसिड बेटा होता है, ऑक्सलोइक बेटा इस सेल में जाने से पहले किस में बदल जाता है, मैलिक एसिड में या एस्पार्टिक एसिड में, ध्यान रखना यानी कि इस सेल में कौन आता है, तो मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड जाती है, यहाँ कौन आता है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड आती बेटा, इस मैलिक एसिड क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी CO2 कहाँ निकल जाता है बाहर, और ये बन जाता है C3 एसिड, जो C3 एसिड होती है इसे पाइरुविक एसिड कहते हैं, ये वापस बेटा कहाँ चली जाती है, मीजोफिल सेल में, और फिर इसको रीजनरेट कर देती है, यहाँ भी ATP खर्च होता है, ध्यान रखना। सही मायने में ये साइकिल जो है कौन सी साइकिल है, तो आपका नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया कौन सी साइकिल बेटा बोलो, C4 साइकिल, इस C4 साइकिल कहाँ इन्वॉल्व होती है, ये मीजोसेल में भी चल रही है, मीजोफिल सेल में भी है और बंडल शीत सेल दोनों में चल रही है, लेकिन क्या C4 साइकिल से आपको जो बनाना था बना, क्या ग्लूकोज बनाना था बना, क्या आपको फायदा जो मिलना था मिला, आप बेकार हो गए, खाली हाथ बैठे हो, CO2 हाथ में आया था फिसल गया, तो फिसला हो C2 गया कहां बेटा, बंडल शीत में प्रेजेंट है, इस फिसले हुए C2 को किसने लिया, तो C3 साइकिल चलेगी, यानी किसने लिया, तो RuBP बोलोगे बेटा, RuBP रूबिस्को बोलोगे, PGA बनेगा फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये C3 साइकिल कहलाएगी। तो बताओ C4 प्लांट में ग्लूकोज कहां बनता है, बंडल शीत सेल में बनता है, C4 प्लांट में ग्लूकोज कहां बनता है, बंडल शीत सेल में बनता है, इनकी जो बंडल शीत की वाल होती है या गैस के लिए इम्परमेबल होती है, अंदर गैसेस जा नहीं सकती हैं, यहाँ पर O2 होता नहीं है, रूबिस्को यहाँ पर कोई बदमाशी करता नहीं है, ग्लूकोज किस में बनता है, बंडल शीत सेल में बनता है। अब आ जाइए 220 नंबर पे जाइए, फास्फो फोटो
क्या है, फोटोरिसेप्शन को देखिए। चलिए, C3 और C4 प्लांट में फोटोरिस्पर्शन भी एक मेजर डिफरेंस होता है। फोटोरिस्पर्शन दिन में प्लांट में होने वाली वह प्रोसेस है जिसमें CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है, गंदी बात, जबकि प्लांट को CO2 को दिन में फिक्स करना था, ये बाहर निकाल रहा है। फोटोरिस्पर्शन में फोटोरिस्पर्शन को समझने के लिए आपको रूबिस्को को जानना होगा। रूबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो CO2 से रिएक्ट करता है सबसे ज्यादा, मौका मिलने पर ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेता है। जब CO2 से रिएक्ट करता है तो फॉस्फोग्लिसरॉल से बनता है, जब O2 से रिएक्ट करता है तो दो कंपोनेंट बन जाते हैं। इस प्रकार से रूबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है, रूबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ द वर्ल्ड है। CO2 O2 की दोनों की एफिनिटी होती है, बट CO2 की ज्यादा होती है। यहां पर एक कंपटीशन होता है एक प्रकार का, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 CO2 की देखी जाती है। जब CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, O2 ज्यादा होगा तो फोटोरिस्पर्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट घट जाएगा। ठीक, C3 प्लांट में O2 रूबिस्को से बाइंड हो जाती है जिससे CO2 को फिक्सेशन घट जाता है। यहां पर लेकिन C4 प्लांट में RUBP जो होता है वो O2 से नहीं बाइंड कर पाता, वो O2 से नहीं बाइंड कर पाता, ये CO2 से बाइंड करता है। नहीं, C3 प्लांट में बोला जाएगा, C3 प्लांट में जब CO2 कम हो जाता है तब RUBP O2 से बाइंड हो जाता है, एक कार्बन की कमी हो जाती है। RUBP केवल 5 कार्बन ही 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल 2 कार्बन का होता है, एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है, एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोग्लिसरॉल कहते हैं PGA, एक मॉलिक्यूल को फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं, इसीलिए यहाँ इस साइकिल को हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं। फोटोरिस्पर्शन को, इस फोटोरिस्पर्शन में शुगर नहीं बनता है, ATP नहीं बनता है, CO2 रिलीज होती है, ATP यूज होती है, ATP नहीं बनता है, NADPH2 नहीं बनता है, पूरी वेस्टफुल प्रोसेस होती है। ये सब C3 प्लांट में फोटोरिस्पर्शन को बोला गया। फिर कहा गया, ये बताओ C4 प्लांट में फोटोरिस्पर्शन नहीं होता है क्या? हाँ, नहीं होता है। पूछा गया क्यों नहीं होता है, क्योंकि C4 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम जिस सेल में होता है वहां ऑक्सीजन को पहुंचने ही नहीं दिया जाता। पूछा गया किस सेल में होता है, बंडल सीड सेल में होता है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो C4 प्लांट में फोटोरिस्पर्शन ना होने के कारण प्रोडक्टिविटी बेटा कैसे होती है ज्यादा, कंपेयर वाला पार्ट आप देख लेना। फैक्टर इफेक्टिंग बेटा बोला जाएगा, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों फैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होता है बेटा, 1905 में दिया, वो फैक्टर जिसकी मात्रा सबसे कम होती है प्रोसेस को लिमिट कर दे, जिसे ब्लैकमैन का लिमिटिंग फैक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन कहते हैं, कोई प्रोसेस ग्रीन लीफ में ऑप्टिमम लाइट और CO2 कंडीशन में चल रही है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इन टेम्परेचर कम कर दिया जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पर कौन सा है फैक्टर जो प्लांट को रोक रहा है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। लाइट की क्वालिटी, क्वांटिटी और इंटेंसिटी सभी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। लाइट सैचुरेशन बेटा किस पर हो जाता है, फुल सनलाइट के 10% पर हो जाता है, फुल सनलाइट के कितने पर बोलो, 10% पर हो जाता है। लाइट को रेयरली लिमिटिंग फैक्टर माना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, CO2 मेजर लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। जब एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन 0.03 या 0.04% के बीच प्रेजेंट होती है, ठीक, तब बेहतर फोटोसिंथेसिस पाई जाती है,
लेकिन अगर 0.05% कर दिया जाए, ठीक है, तो इंक्रीज टू रेट जो होता है बियॉन्ड हो जाता है और फिर लीफ डैमेजिंग हो जाती है। बेटा C3 और C4 प्लांट जो होते हैं डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन रिस्पांस करते हैं, डिफरेंट CO2 कंसंट्रेशन को रिस्पांस करते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए बेटा, टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, एंजाइम से रिलेटेड होता है, एंजाइम हमेशा रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और टेंजाइम और टेम्परेचर बेटा एंजाइम को कंट्रोल करता है, करेक्ट है। वाटर को कहेंगे, इवन दो वाटर जो है ठीक लाइट रिएक्शन रिएक्टेंट होता है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अगर पानी नहीं मिलेगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, O2 भी नहीं आ पाती है क्योंकि स्टोमेटा बंद हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, चाहे जितने भी लाइट प्रेजेंट हो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो बेटा 15 मिनट के लिए हम अभी 10 मिनट के लिए ब्रेक देते हैं, 10 मिनट के बाद फिर वापस आएंगे, यानी 12:15 बज रहा है, 12 बजे हम फिर उपस्थित होंगे अगले 2 चैप्टर के लिए। ध्यान रखिएगा हम 12 से आपको फिर से दोबारा पढ़ाने आ रहे हैं 15 मिनट के बाद, आप लोग ऑनलाइन आइएगा। 2 चैप्टर खत्म होने के बाद ही सांस लेने की जरूरत है हम लोगों को, जिससे शाम को कुछ दूसरी यूनिट पढ़ा सकें। एक बार इकोलॉजी और बोलूंगा शाम को इसी तरीके से, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। ओके।